तो दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। यार ये वाला जो हल्दी सा है, ये हल्दी सा सिर्फ 22 लाख का, सिर्फ 22 लाख, सिर्फ 22 लाख, सिर्फ ओनली ऑन डिस्काउंट के साथ बता रहे हैं। और इसके जो बराबर में ये जोड़ी है, ये जोड़ी है 15 लाख की जोड़ी है। जानवरों के रेट तो खैर बहुत हाई फाई चल रहे हैं, सही जो रेट चल रहा है, जो महंगाई चली उसी हिसाब से। इसकी क्वालिटी है कि ये पिंक नोज है, गुलाबी नाक है, ठीक है। दूसरी लाख रुपए बढ़ गए। हाँ ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है। पेट्रोल के रेट आपको पता है? बिल्कुल पेट्रोल के, लेकिन पेट्रोल के रेट तो अभी बढ़े ना, ये जानवर तो 2 साल से पल रहे हैं या साल से पल रहे हैं। पेट्रोल के रेट तो चले अभी बढ़े, लेकिन वैसे तो महंगाई बढ़ी रही है। और ये वाला 45 लाख, 45 लाख की सिविक आ जाएगी वैसे। हाँ ये देखिए फेस बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है और जिस्म भरा हुआ है। क्या वजह है, इसकी नस्ल ऐसी है या कोई और? कोई नहीं नहीं नहीं, ये नस्ल ही ऐसी है। कौन सी नस्ल फेस में है? काली पांडी। जी हाँ, इस दफा काली पांडियों का कराची के अंदर बड़ा शौक हो रहा है, ब्लैक और व्हाइट। अच्छा क्रेज आया हुआ है, क्रेज मतलब? आया हुआ है एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था। ईद के दिन बहुत करीब आते जा रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मवेशी मंडी का एक विज़िट किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इस टाइम हम लोग मौजूद है सोहराब बोर्ड वाली मंडी में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये काऊ मंडी। इसका आज विज़िट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किस्म के जानवर हैं, सिब्बी है, ऑस्ट्रेलियंस हैं, बहुत सारे जानवर हैं, सारी वैरायटी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या प्राइस चल रहे हैं जानवरों के, सारी रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, उस तक तो शेयर भी कीजिएगा और अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें एक्सप्लोर करें, आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अनस। अनस भाई आपका पूरा ये सेटअप माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह यार, अच्छे जानवर, खूबसूरत भी लग रहे हैं। ऐसा जानवर दिखाएं जो खूबसूरत भी हो, रेट भी उसके मुनासिब हो और अच्छा भी हो, ऐसा मुमकिन है वैसे? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं है? अच्छा फिर दिखा दें, इधर आओ दिखाएं। अभी हम लोग विजिट करते हुए आ रहे हैं तो अभी लग नहीं रहा था इस तरह का माहौल। नहीं नहीं, हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है 2.5 लाख रुपए से। स्टार्टिंग रेंज 2.5 लाख, सिर्फ 2.5 लाख से? सिर्फ 2.5 लाख रुपए से, ठीक है। बाकी जो हमारी मैक्सिमम रेंज है वो है 12.5 लाख रुपए तक, सिर्फ, ठीक है। ये जो जानवर आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ये 2.5 लाख का है। ये 2.5 लाख रुपए का। क्या खासियत है इसमें यार? ये प्रिंट के पैसे होते हैं यार, क्योंकि आप इसका प्रिंट देखेंगे। हाँ है तो साफ सुथरा खूबसूरत प्रिंट में है ना ये बछड़ी, ठीक है। और ये नस्ल कौन सी? ये कोई मतलब कोई ऐसी खास नस्ल नहीं है, बिचोली नस्ल में है ये। तो फिर तो इसके मुनासिब होंगे कोई, क्या हो जाएगा? कमी पेशी की गुंजाइश है, क्या हो जाएंगे इसके फाइनल? कोई एक आइडिया दे दें ताकि व्यूवर्स आपके पास आए माइंड बनाकर कि यार इतने हो जाएंगे इनके पास मुनासिब। यार ये हमने 1,85,000 रुपये की देनी है, ठीक है, सही। और ये वाली जो वाइट है और ये ब्लैक ब्राउन एंड वाइट, ये वाली क्या मांग रहे हैं? 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये। इस वाली क्या मांग रहे हैं? 3,80,000 रुपये। इसकी हालांकि साइज तो सेम लग रहा है इन दोनों का, बल्कि वो ज्यादा लग रहा है वो उसका, इसका ज्यादा हो सकता है, पर इसकी क्वालिटी है कि ये पिंक नोज है, गुलाबी नाक है, ठीक है। दूसरी 1,00,000 रुपये बढ़ गए। हाँ ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है, तो इसकी ये गुलाबी नाक में, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी जो प्रिंट आप इसका देखें, बिल्कुल व्हाइट है, सही है, ठीक है। आंखों में सुरमा है। अच्छा पलके इसकी व्हाइट है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये हमने कुछ नहीं करा भाई। अगर हम ये पिंक नाक की जगह हम इस पर काला कलर करके ले आए तो रेट में फर्क आएगा? काला कलर में, काला कलर हम खुद नहीं करेंगे, वो अल्लाह मियां की तरफ से होकर आया है, उस पर काला कलर हुआ वो वाला जो जानवर है, भरा हुआ जानवर लग रहा है। जी हाँ ये बछड़ी हमारी है। नहीं ये जो है, हाँ ये बछड़ी है, अच्छा नहीं है ये बछड़ा नहीं है, ठीक है, ये बछड़ी है। और ये हमारी और हमारे जितने भी लेबर है ना, हम सबकी लाडली है, इसका नाम भी लाडली है। फिर लाडली के रेट भी ज्यादा ही होंगे। लाडली को हमने पाला ही बड़े उससे, नाजो से लाडली लेकर आओ जरा, नाजो से पाला है बड़े, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये ऐसी है कि मतलब खाली हमारे साथ नहीं, जो भी साथ में इसके खड़ा हुआ हो ना, तो ये बस बोलती है कि बस प्यार करो। अच्छा हाँ, आप खुद भी देखिएगा अभी। नहीं है तो भरा हुआ वैसे माल, जबरदस्त। 14 लाख रुपए यार, ये इसका मेरे पास जो लाइव वेट है वो लिखा हुआ है 700 किलो। ये वाली कितने की? इसके भाई हम लोग 7 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। कितने दांत है? 4 दांत है। और ये जो लाठी है ये भी 4 दांत है। आप इसका ये भी 4 दांत है, वजूद देखें और फिर ये देखें कि माशाल्लाह 4 दांत में भी क्या वजूद बना है इसका, ठीक है। और वो जो छोटी दिखाई थी वो कितने दांत है? वो 2 दांत है, 4 दांत, सही है। क्या फाइनल हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे मुनासिब, कुछ करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो कस्टमर जब आएगा तो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ गुंजाइश रखेंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा इस बार रेट ज्यादा है? नहीं इस दफा आपको पता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हर साल ही महंगाई बढ़ती है, हर साल ही जानवर महंगा होता है कुछ ना कुछ,
लेकिन इस दफा ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, पेट्रोल के रेट आपको पता है? बिल्कुल, पेट्रोल के, लेकिन पेट्रोल के रेट तो अभी बढ़े ना, ये जानवर तो दो साल से पल रहे हैं या साल से पल रहे हैं। पेट्रोल के रेट तो चले अभी बढ़े, लेकिन वैसे तो महंगाई बढ़ी रही है, वो तो पेट्रोल के रेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी रहे हैं। पहले वाली हुकूमत के टाइम पे ही बढ़ रहे थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल बात सही है आपकी। तो ये सारी चीजें, फिर उसके अलावा आप जैसे इनका दाना आता है तो दाने के रेट भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। फिर इस जगह की भी, इस जगह के भी पैसे हैं, बिल्कुल मंडी के भी पैसे होते हैं। तो ये पिछले साल की निस्बत कम है या ज्यादा है, क्या है? पिछले साल की निस्बत हर चीज के पैसे ज्यादा है, ज्यादा है बिल्कुल। तो ये जानवर वैसे ज्यादातर कहाँ के हैं? ये मेरे पास पंजाब की मेरी परचेजिंग है, पर पंजाब से मैंने काफी सारे जानवर परचेज किए हैं, कुछ जानवर मैंने अंदरूनी सिंध से किए हैं और कुछ जानवर मेरे पास कराची से मैंने परचेज किए हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये काला वाला कितने का है और कितने दांत है, कौन सी नस्ल है? दो दांत है, ठीक है। ये क्रॉस में है। अच्छा, देसी के साथ ही क्रॉस में है और इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए डिमांड, 3 में दे देंगे मतलब, या नहीं? नहीं, नहीं। बहुत ज़्यादा कम बोल रहे? हाँ, इतना फर्क नहीं रखा है हमने, थोड़ा बहुत मुनासिब मांग रहे हैं तो मुनासिब से ही उसमें गुंजाइश रखी है। वाह यार, लाडली वैसे है प्यारी, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी है। आप खुद भी अगर इसके पास जाके आप इसको ज़रा प्यार करें हैं तो ये कुछ भी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। वाह भैया, इसके पास खड़े रहो और ये प्यार है, मासूम है, मासूम सी है। ठीक है, ये गुलाबी नस्ल है, ये वाली? जी हाँ, ये भी पिंक नोज में है। ठीक है, क्या प्राइस है? आप इसका फेस देखें, बिल्कुल छोटा सा फेस है, आप इसका मतलब जो इसका जिस्म है उसके हजम, हाँ ये देखिए फेस बिल्कुल छोटा, फेस बिल्कुल छोटा है और जिस्म भरा हुआ है। क्या वजह है, इसकी नस्ल ऐसी है या कोई और? कोई नहीं नहीं नहीं, ये नस्ल ही ऐसी है। कौन सी नस्ल फेस में है? ये गुलाबी नस्ल में कहलाती है ये ना। क्या प्राइस होगी इसकी और कितने दांत है? ये दो दांत है। और कितना वेट होगा इसका? इसका तकरीबन मीट वेट होगा अराउंड 6.5 से 7 मन। अच्छा, और वो वाली? वो वाली जो है वो अपना काली पांडी है। कितने का है वो? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं भाई 6.5 लाख रुपए। काली पांडी? जी हाँ, इस दफ़ा काली पांडियों का कराची के अंदर बड़ा शौक हो रहा है, ब्लैक और वाइट। अच्छा, क्रेज आया हुआ है, क्रेज मतलब? आया हुआ है एग्जैक्टली। काली पांडी फिर थोड़ा क्लोज करके ना दिखा दें, कितने दांत है ये देखिएगा? ये 4 दांत है। अच्छा अच्छा, काली पांडी मारती तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मासूम होती है बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सारे जानवर हैं फार्म के पले में तो ये मारते वारते नहीं है, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये नहीं मारते, ठीक है, सही। अच्छा, आपकी जो टाइमिंग बता दें, लोकेशन बता दें ताकि कोई कस्टमर आना चाहे वो आ जाए। टाइमिंग हमारी है देखें, शाम को तकरीबन 8 बजे से लेके और सुबह फजर तक, ठीक है। बाकी लोकेशन हमारी ये है कि जब आप गेट नंबर 1 से जब आप इंटर करेंगे मंडी के अंदर तो सीधा सीधा आएंगे, सीधा आने के बाद इंतज़ामिया का ऑफिस आता है, ठीक है, उल्टे हाथ पर ही इंतजामिया के ऑफिस के बाद जो बिल्कुल पहला टेंट है जलमी कैटल, वो हमारा है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से? ठीक ठाक माशाल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त आपके जानवर लग रहे हैं, वाइट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या प्राइस है इसके और कौन सी नस्ल है? ये 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपये का नस्ल में गुलाबी है। गुलाबी? हाँ। तो कितने मंथ का होगा ये जानवर? तकरीबन 15 मंथ का। 15 मंथ का, अच्छा। और ये वाले जो जानवर जो इतने खूबसूरत लगे हुए हैं, ये वाले, ये जो इतना खूबसूरत है, 6.5 लाख के भाव में? 6.5 लाख। क्या मुनासिब हो जाएंगे? 6.5 लाख ज़्यादा नहीं है? नहीं ज़्यादा नहीं है, नहीं नहीं, नहीं देखते ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन फाइनल कुछ तो होंगे ना, जाहिर सी होंगे, 4.5 लाख। 4.5 लाख के हो जाएंगे ना, 6.5 से 4.5 हो गए ना मतलब। और वो जो छोटे वाले हैं, छोटे वाले अलग अलग रेट है अंदाजन, वो छोटा वाला जो है वो कितने का? क्योंकि आजकल आपको पता है रेंज भी नहीं है महंगाई की, 1.5 लाख रुपये में, 1 लाख रुपये का हो जाएगा मतलब। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या नाम है सर? राशिद भाई, मंडी आपने एक्सप्लोर करी है अभी? ये जो टेंट्स हैं इनको एक्सप्लोर कर लिया है, काफ़ी सारे तो अभी बंद हैं। अच्छा, तो क्या लगा आपको, कितने प्राइस के हिसाब से कैसे मुनासिब है? टू मच है, बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा। तो सौदा मौदा बनाया अभी तक या नहीं? अभी तक नहीं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है बन जाएगा? लेकिन बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा है इस टाइम, मुझे लगता है आज तो नहीं बनेगा क्योंकि आज बड़ा हॉट डे है, सैटरडे। हाँ, ये तो है, रश का दिन भी है, वर्किंग डेज में आना पड़ेगा वर्किंग के लिए बनाने के लिए। बस ये पूरा साल का इसी में निकालते हैं, इनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन यार इस टाइम आवाम भी तो मजबूर है, कहाँ है आवाम के पास पैसा इतना थोड़ी है कि वो जानवर को। सही बात है, लेकिन ये लोग इनको देखें, ये जगहें कितनी महंगी महंगी लेते हैं, पानी कितना। हाँ, ये बात भी है, टैक्स होता है इनका भी अलग, कॉम्प्रोमाइज हमें और थोड़ा सा इनको करना चाहिए, बीच का रास्ता निकल जाता है, बीच का। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? नाजमाबाद से। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा कल एक्सप्लोर करें, अल्लाह करे आपको कोई जानवर कोई मुनासिब रेट में मिल जाए, दुआ है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हम आए? कैसे हैं, खैरियत से?
भाई माशाल्लाह आपके जानवर देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त लगे, ये वाला मुझे अच्छा लगा। कितने का है ये? ये भाई 10 लाख का। 10 लाख का है। कौन सी नस्ल है और ये कितने मन का है? इसका 9 मन वजन है। 9 मन? 9 मन ठीक है। तो ये क्रॉस है। क्रॉस है ठीक है। क्या इसके फाइनल हो जाएंगे, मतलब आप कितने इसके कर लेंगे? कुछ तो होगा ना, कोई बीच का रास्ता, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अंदाजन फिर भी कितना हो जाएगा? कोई लाख कम कर लेंगे। लाख कम कर लेंगे ठीक है। और ये वाला जो वाइट वाला, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, और ये कौन सी नस्ल है ये भी बता दीजिएगा। 12 लाख रुपये। और इसके क्या फाइनल हो जाएंगे? 10 लाख। 10 लाख हो जाएंगे। ये देखिएगा भाई माशाल्लाह। भाई सबसे कम वाला जानवर बता दें कौन सा आपके, सबसे कम जो आप बोलोगे यार ये सबसे कम है हमारे पास। 3 लाख रुपए का वो बैठा है जो, वो सर वो सामने खड़ा वो ब्लैक एंड वाइट। वो सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? अली नाम है। अली भाई कहाँ से आए आप? नॉर्थ कराची से। माशाल्लाह आपको कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट, कैसे जानवर लगे? जानवर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और इनकी सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है यहाँ की। आपने एक्सप्लोर करा है अभी मंडी या अभी कर रहे हैं? अभी आया हूँ मैं, अभी आया। ठीक है। तो जानवर आपको पसंद आ रहे हैं? माशाल्लाह। तो रेट आपने पूछे कैसे लग रहे हैं, क्या हिसाब है? रेट तो यार ये कि हर साल के इंक्रीज होते हैं ना, कुछ तो फर्क पड़ता है। ठीक है। ये कि जानवरों के रेट तो खैर बहुत हाई फाई चल रहे हैं। सही। जो रेट चल रहा है, जो महंगाई चली उसी हिसाब से। ये तो है। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि कुछ इस तरह का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि रेट को मेंटेन किया जाए एक लेवल पे? क्योंकि अब ये मैंने अभी पता किया, वो बोल रहे थे 10 लाख रुपए का जानवर है, डायरेक्ट 10 से 6 पे आ गए। 6 लाख का जो जानवर वो डायरेक्ट 3.5-4 पे आ गए। तो इस तरह का कोई इदारा होना चाहिए जो इस प्राइस को मेंटेन करे? करना चाहिए क्योंकि बहुत हाई फाई, हमारी रेंज से तो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत दूर नहीं, बहुत दूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कम से कम 60,000 का जानवर समझो है ही नहीं। ऐसे जानवर आप बोलोगे नहीं यार बकरा ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, यही हाल चल रहा है। ठीक है। आप अभी एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच अली भाई, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सर। आप अपनी फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ। ठीक है भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? कौन सी है ये नस्ल और ये कितने का है? ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन कितने का चल रहा है? 15 लाख रुपए का। और इसके जो बराबर में ये जोड़ी है? ये जोड़ी है। 15 लाख की जोड़ी है? नहीं, एक जोड़ी 30 लाख। 30 लाख रुपए की है यार, कुछ मुनासिब नहीं होंगे इनके? मुनासिब ही है ये। मुनासिब है? नहीं करो यार, क्या इस वजन होगा इसका? 35 मान होगा। कितने फाइनल होंगे, कुछ तो होगा ना, मतलब? हाँ कर लेंगे कोई आसरा। कुछ इस तरह बताएं ताकि व्यूवर्स को थोड़ा सा अंदाजा हो कि हाँ भाई इतने पे आए तो इतने भी आ सकते हैं। 25 लाख की जोड़ी हो जाएगी। 25 की हो जाएगी जोड़ी? जोड़ी। ये कौन सा? ये वाला हमारे क्रॉस है। क्रॉस है। ये कितने का? ये 8 लाख। पीछे से दुनिया मार देगा। ये और ये? ये 4-4 लाख। क्या लैंड पूरी बना? ये कितने दांत है वैसे? दो। चौक। और वो जो ऑस्ट्रेलियन खड़े हुए थे वो भी दो? नहीं, वो कितने? पूरे 6 दांत है वे? बहुत ज्यादा नहीं फिर तो? ये दो दांत की है। 6 दांत ही होता है ये इसका बना हुआ है ना? 2 दांत। ठीक है। ढाई साल का। ये वाली लाइन जो है ना ये मुझे अच्छी लग रही है। कौन सी नस्ल है ये सारी बता दें जो अच्छी हो? साहिवाल, चौलिस्तानी। साहिवाल भी है, चौलिस्तानी। इधर से दिखाएं पीछे से। और रेट भी बता दें। 22 लाख का। 22 लाख। दो दांत है सारे? नहीं, ये 4 दांत है। 4 दांत। ये दो दांत। ये दो दांत है यार। ये वाला जो हेल्दी सा है, ये हेल्दी सा सिर्फ 22 लाख का। सिर्फ 22 लाख। सिर्फ ओनली ऑन डिस्काउंट के साथ बता रहे हैं। 22 लाख तो आप ऐसे बोल रहे जैसे हलवा है। इसके लिए कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे जो छोटे बच्चे हैं वो 40-43 के बिक रहे हैं, तो ये तो फिर भी 40 के बिक रहे हैं? 40-43 के बिक चुके हैं। बिक चुके हैं? हाँ जी। अच्छा भाई, लोग ले भी रहे हैं भाई 40-40 लाख रुपए के? 40,000 40-45,000 खर्चा है एक दिन का। अच्छा, घर खरीदना है ना? मंडी में आए आज हम, मवेशी मंडी में घर खरीद। घर तो घर सस्ते हो गए, जानवर महंगा। हाँ यही बोला, घर सस्ते जानवर महंगे। इनको बड़ा किया ना, ऐसे थोड़ी है। और इससे कम नहीं है? सिर्फ 22 लाख से कम नहीं है? हाँ ये है, 10-10 लाख के दो खड़े। सिर्फ 10 लाख के? ये 10 लाख का ये है, 10 का वो है, 22 का वो है, 22 का ये है, वो 12 लाख का खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइएगा, ये बारिश होती है तो कुछ रेट डाउन होते हैं कुछ इस तरह का सीन? तो इसमें कोई चक्कर नहीं होता, नहीं होता। नहीं। तो आपके लोग क्या करते हैं बारिश हो रही तो? ये नहाते हैं? वैसे कोई भी नहलाते हैं रोज, बीमार वगैरह तो नहीं होते ना? नहीं, सर्दी में होता है। अच्छा, और वैसे पूरा साल आप क्या कर रहे हो? इनको ख्याल ही कर रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं? माशाल्लाह, साल में 2 जानवर पे एक बंदा डेली बेस पे इनको ड्यूटी देता है, एक रात को देता है। 2 जानवरों पे? 2 जानवर नहीं, वो तो मेहनत तो है। और आपके काफी सारे जानवर है, ऐसा नहीं है, इतनी सहूलत नहीं है।
ठीक है, कहाँ पे पालते हैं आप लोग? ये हम आए हैं पाकपत से। जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, तो ख़वातीन आज़ाद, मैं आप लोगों को जानवर दिखा भी रहा हूँ और रेट भी उनके बता रहा हूँ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर बात है, जब सौदा बनता है तो रेट भी कम होते हैं, काफ़ी मुनासिब भी हो जाते हैं। मुनासिब तो नहीं होते, मतलब कम कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई एक टीम बनानी चाहिए जो कि इस रेट को मेंटेन करे और एक लेवल ना एक बनाए कि इस लेवल तक रेट हो, क्योंकि अपने पास से भी ज़्यादा बता रहे होते हैं। जो जानवर देखो 10 लाख, पर 10 लाख रुपये का जानवर दिखने से भी नहीं लग रहा, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा वर्क करें तो लोगों का टाइम भी बचेगा और इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। खैर, आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को विज़िट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? माशाल्लाह यार, बहुत ही ज़बरदस्त जानवर है और काफ़ी हाइट भी है। कौन सी नस्ल है और ये कितने का है? 65 लाख। ये वाला 65 लाख रुपए का? ये वाला। और ये वाला 45 लाख। 45 लाख सुल्तान और बबलू। बहुत ज़्यादा नहीं है पैसे? सही है। और कौन सी नस्ल है? ये सिद्दी नस्ल है, बागनारी। अच्छा यार, 45 लाख बोल रहे हैं हमदा भाई इसके इसके 45। हाँ, 45 लाख की सिविक आ जाएगी वैसे। अच्छा, मतलब न्यू मॉडल की आ जाएगी। न्यू मॉडल की आ जाएगी। अच्छा, इसके क्या फाइनल हो जाएंगे? कुछ तो बताओ ना, फाइनल कुछ तो करके जाओ। हाँ, इसकी फाइनल 35। अच्छा, क्या वजह है इसकी इतने रेट ज़्यादा हैं? क्या वजह है, मतलब कोई तो बताओ। खूबसूरत है, ये वजह है। तो फाइनली गाइस, ये मेरा विजिट था कौ मंडी का। बहुत ज़्यादा रेट हैं, महंगाई भी ज़्यादा है, ये तो है, लेकिन रेट भी इनके बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब सौदा बनता है ना, तो ये रेट जो जितने बोल रहे हैं ना, उससे 3 गुना कम भी हो जाते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जानवर माशाल्लाह आ गए, तो आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट कर लें, क्योंकि जानवर इस टाइम आ चुके हैं सारे। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हो सका तो शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।